क्लास 9 का चैप्टर 2 का पार्ट 2 अब आपको समझाने वाला है। पार्ट 1 में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, आपने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी, ये सारी चीज़ हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले पार्ट 1 की वीडियो देखें, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। पार्ट 1 में लाइट पेन से लेकर इनपुट डिवाइस, स्कैनर, बार कोड रीडर, ये सारी चीज़ हमने समझा दी है। आज हम पार्ट 2 में सबसे मेन पार्ट CPU के बारे में पढ़ेंगे कि CPU क्या होता है, CPU के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और हम लोग मेमोरी यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU किसको कहते हैं? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द कंप्यूटर सिस्टम। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग अगर कोई है तो वो है CPU। CPU को ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं और CPU को ही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। द CPU इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मेजॉरिटी ऑफ प्रोसेसिंग वर्क फॉर द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ द मेमोरी। मेमोरी की मदद से CPU सारा का सारा काम कंप्लीट करता है। कंप्यूटर में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे के सारा कौन लेता है? CPU लेता है। लाइक अ कंट्रोल सेंटर, इट्स गाइड्स, कंट्रोल एंड डायरेक्ट द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जिस तरीके से एक कंट्रोल सेंटर होता है, जैसे सपोज कोई भी एक टास्क को हम उस टास्क का एक कंट्रोल सेंटर बना दें, तो वो कंट्रोल सेंटर सारे काम करने वालों को कंट्रोल करता है, सभी को बताता है कि तुम्हें क्या करना है, सभी को बताता है कि तुम्हारी ये ड्यूटी है, सभी को बताता है कि तुम्हें इस टाइम पर ये काम करना है। सिमिलरली कंट्रोल सेंटर CPU भी आपका कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वही काम करता है। CPU के अंदर तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। वो मेन कंपोनेंट ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा मेमोरी यूनिट, और तीसरा आपका कंट्रोल यूनिट होता है। हम इन तीनों को आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ALU के बारे में पढ़ते हैं। ये तीन CPU के कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला नंबर आपका ALU का आ जाता है। ALU बोले तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं या जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, उन सभी को ये हमारा परफॉर्म करता है। जैसे इसका नाम है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, यानी ये अर्थमेटिक ऑपरेशन को भी परफॉर्म करेगा और लॉजिक ऑपरेशन को भी परफॉर्म करेगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और लॉजिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना और इक्वल टू, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे अर्थमेटिक लॉजिकल अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। अगले जो लॉजिकल होते हैं वो होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो ये जितनी भी कैलकुलेशन परफॉर्म होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो सिर्फ और सिर्फ ALU ही परफॉर्म करता है। इसमें लिखा हुआ है आगे, द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशंस और कंपैरिजंस आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। कैलकुलेशन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा कहाँ स्टोर होगा? वो मेमोरी में स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव इंस्ट्रक्टेड द कंप्यूटर टू इवेल्युएट एन अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज 135/5, द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन दैट इज 27 विल बी स्टोर इन द मेमोरी। अगर आप कोई भी कंप्यूटर को टास्क दोगे, मान के चलो आप 5 की गुणा 2 में करवाने को देते हो, तो रिजल्ट आएगा 10 और वो 10 जो है वो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगा। इसलिए उसने ऊपर साफ साफ कह रखा है कि CPU
is responsible for performing majority of processing work for the computer with the help of the memory. क्योंकि प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आना है, जो आउटपुट आना है, उसको कहीं ना कहीं स्टोर भी तो कराना है, तो वो किस में स्टोर करेंगे? हम लोग मेमोरी में करेंगे. तो सीपीयू आपका ब्रेन होता है, और सीपीयू के तीन मेन पार्ट होते हैं. पहला हो गया एएलयू. एएलयू के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो कि अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है हमारे कंप्यूटर में. दूसरा आ गया आपका कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट में सीयू बोलते हैं. ये कंट्रोल यूनिट हमारे जैसे बड़े बड़े शहरों में जो चौराहों पर जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है, वो जो काम करता है, सेम वही काम हमारा सीयू का है. वो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, और ये सारी की सारी कंट्रोलिंग करेगा कंप्यूटर के अंदर. कंट्रोल यूनिट ऑफ द सीपीयू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन मेमोरी, एएलयू, इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस एंड अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर के प्रत्येक पार्ट को कौन कंट्रोल करने वाला है? सीयू कंट्रोल करने वाला है. इसीलिए इसका नाम ही कंट्रोल यूनिट है. ये अर्थमेटिकल यूनिट हो, चाहे इनपुट यूनिट हो, चाहे आउटपुट यूनिट हो, चाहे स्टोरेज यूनिट हो, चाहे कोई सी भी यूनिट हो, सभी की कंट्रोलिंग किसके हाथ में है? सभी की कंट्रोलिंग कंट्रोल यूनिट के हाथ में है. इसमें लिखा हुआ है, इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस एंड स्टोर्स इट इनटू द मेमोरी. यही रेस्पॉन्सिबल है इनपुट डिवाइस को लेने में, और इनपुट डिवाइस से इनपुट को लेकर के ये स्टोर करेगा किसमें? मेमोरी में स्टोर करेगा. इट देन चेक द कंटेंट ऑफ द मेमोरी एंड डिटरमाइंस व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इट कैरीज. सबसे पहले ये इनपुट ले लेगा. इनपुट लेने के बाद ये हमारे इंस्ट्रक्शंस को चेक करेगा कि किस टाइप का इंस्ट्रक्शंस है और ये क्या चाहता है. इफ इनपुट कंटेन इंस्ट्रक्शंस फॉर परफॉर्मिंग एएलयू, द इनपुट इज सेंड टू द एएलयू फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. अगर हमारा डाटा कैलकुलेशन से रिलेटेड है, चाहे वो अर्थमेटिक से हो, चाहे लॉजिकल से हो, तो ये पूरे हमारी इंस्ट्रक्शंस को कहाँ भेज देगा? एएलयू की तरफ भेज देगा. एल्स द डाटा इज डायरेक्टेड टू सुटेबल इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस. अदरवाइज अगर एएलयू से रिलेटेड डाटा नहीं है, तो जिस हिसाब का डाटा है, ये उस हिसाब से अपना काम परफॉर्म करके, अपनी कंट्रोलिंग परफॉर्म करके, जहाँ उसको भेजना है उसको भेज करके ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा. तो अभी आपने ALU समझा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट समझा, उसके बाद आपने कंट्रोल यूनिट समझा कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या है. लास्ट जो सबसे मेन है वो है मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट के बारे में ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट स्टोर होगा वो मेमोरी में ही स्टोर होगा. वन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर इज दैट इट हैज़ अ वेरी लार्ज मेमोरी. मैंने आपको पहले भी कई माध्यमों से बता रखा है कि हमारे ह्यूमन बीइंग्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है डाटा को स्टोर करने में. हम बहुत सारा डाटा याद नहीं रख पाते, इसीलिए हम लोगों ने किसको बनाया? कंप्यूटर को बनाया. तो कंप्यूटर की जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकता है. एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन स्टोर डाटा इन डिजिटल फॉर्मेट फॉर सम इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द मेमोरी डिवाइस. मेमोरी डिवाइस के अंदर आप कंप्यूटर का डाटा को स्टोर कर सकते हो, लेकिन कौन से फॉर्मेट में? डिजिटल फॉर्मेट में आप स्टोर कर सकते हो. तो कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो दो टाइप की होती है. पहला टाइप जो होता है वो है प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी का ही दूसरा नाम मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी का ही दूसरा नाम इंटरनल मेमोरी है. प्राइमरी मेमोरी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ज़रूरी मेमोरी है. अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्राइमरी मेमोरी नहीं होगी, तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम ओपन ही नहीं होगा. इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी कहते हैं. मेन मेमोरी को हिंदी में हम लोग मुख्य मेमोरी कहते हैं. बिना इसके हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा. इंटरनल मेमोरी इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फिक्स होती है, इसलिए हम इसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं.
इसके दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। इसके दूसरा टाइप एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी का जस्ट अपोजिट होता है सेकेंडरी। अगर ये हो तो बहुत अच्छी, ना हो तो ऐसा नहीं होगा कि इसके बिना हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा, इसलिए इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। और ये मेमोरी बाहर से जोड़ी जाती है, इसलिए इसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। तो ये तो थे मेमोरी के टाइप, प्राइमरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी। अब पढ़ लेते हैं कि आपकी बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, ऑल द मेमोरी डिवाइस दैट आर यूज विद अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द मेन कैटेगरी, यानी इंटरनल मेमोरी डिवाइस एंड एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस। वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बता दी। अब हम बात करते हैं कि मेजरिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी क्या है। बच्चों ये ज़रूर याद रख लेना आप लोग, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इनका कन्वर्जन आ जाता है और ये आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। जिस तरीके से हम हर एक चीज़ों को मीज़र करते हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर मेमोरी को मीज़र करने की एक यूनिट होती है। सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बिट होती है। ये बिट है। बिट से बड़ी वाइट होती है। वाइट में यानी एक वाइट में 8 बिट होते हैं और एक किलो वाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। इसी तरीके से ये सारणी आगे तक जाती है। यानी इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है वो बिट होती है और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। यानी जैसे 100 रुपए में जो 100 होते हैं, 100 रुपए में 10 के 10 नोट होंगे, इसी तरीके से एक बाइट में 8 बिट होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों ने जो मेमोरी के बारे में पढ़ा था, मेमोरी के बारे में ये पढ़ा था कि मेमोरी दो तरीके की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी, जिसके अन्य नाम यानी दूसरे नाम मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी भी हैं, ये भी तीन तरह की होती हैं। पहला इसका तरह है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा इसका टाइप है रीड ओनली मेमोरी और तीसरा इसका टाइप है कैश मेमोरी। हम इन तीनों मेमोरी के बारे में अभी बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले इंटरनल मेमोरी के बारे में ये क्या कह रहा है, द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर विच कैन बी डायरेक्टली एसिस्ट बाय द सीपीयू इज नन एज इंटरनल मेमोरी। ऐसी मेमोरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो कि सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस होती है वो हमारी इंटरनल मेमोरी होती है। द डिवाइस दैट मेक अप द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड द इंटरनल मेमोरी डिवाइस। अ कंप्यूटर जनरली हैज 3 टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी, रैम, रोम एंड कैश मेमोरी। सबसे पहले हम लोग रैम के बारे में बात करते हैं। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये RAM is the main working memory of the computer. While processing data, computers interact with the RAM to repeatedly store and fetch data and instructions. सबसे मुख्य मेमोरी अगर है तो वो है RAM, Random Access Memory. ये इसके बारे में मैं बहुत सारी आपको बात बता दूं कि ये एक volatile memory है। वॉलेटाइल मेमोरी, देखो ये लिखा हुआ है रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब ये हुआ कि जब तक पावर ऑन है तब तक इसमें डाटा स्टोर रहेगा। जैसे ही आपने कंप्यूटर को एक बार शट डाउन करा, ये पूरी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी और आपका डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, इसीलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसको डाटा सेव रखने के लिए पावर की ज़रूरत है। यानी आपने जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम बंद करा और रैम आपकी बिल्कुल फॉर्मेट हो गई। अच्छा, इसलिए इसको टेम्परेरीली मेमोरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डाटा को कैसे स्टोर करती है? टेम्परेरी स्टोर करती है।
आगे इसमें लिखा हुआ है ऑल द डाटा स्टोर इज इरेज्ड एज सून एज कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। जैसे ही आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ करोगे ये सारा का सारा डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगी। अब हम पढ़ते हैं आगे रैम। रैम हमने पढ़ा तो यहाँ पे रैम के बारे में और भी बताया गया है, लेकिन अभी आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। रैम के बारे में आप ऐसे समझ लीजिए कि रैम जो है वो मेन वर्किंग मेमोरी है जो कि सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस होती है, ठीक। और दूसरी बात, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब ये हुआ कि जब तक पावर ऑन है तब तक इसमें डाटा स्टोर है। एक बार आपने कंप्यूटर को का पावर बंद करा इसमें डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये टेम्परेरी मेमोरी है। भाई टेम्परेरी मेमोरी इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि डाटा इसमें परमानेंटली स्टोर नहीं हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं रोम। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये हुआ कि इसमें जो डाटा आप सेव करोगे या जो डाटा इसमें सेव होगा वो परमानेंटली सेव होगा। ऐसा नहीं है रैम की तरह कि जब तक पावर ऑन है तब तक डाटा आपका स्टोर रहेगा और पावर ऑफ होते ही डाटा सारा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपने डाटा स्टोर कर दिया तो वो परमानेंटली स्टोर हो गया। रोम रेफर्स टू कंप्यूटर मेमोरी चिप्स कंटेनिंग परमानेंट और सेमी परमानेंट डाटा। द रोम कंटेन द मिनिमम इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर नीड टू बी गेट स्टार्टेड। दीज इंस्ट्रक्शन आर ऑल्सो नोन एज बूट अप इंस्ट्रक्शन। जब आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो जो बूटिंग का प्रोसीजर होता है वो जो डाटा जो बूटिंग के लिए ज़रूरी है वो आपका कहाँ स्टोर होता है, वो आपका रोम में ही स्टोर होता है। आगे बढ़ते हैं। Originally, ROM was actually read-only. To update the program in ROM, you had to remove and physically replace your ROM chip. यानी इसमें अगर आपने डाटा स्टोर कर दिया तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। इसके और टाइप हैं ROM के, वो आपको मैं बता देता हूँ, जिसमें आप डाटा को डिलीट कर सकते हो। तो आपको क्या काम करना है, आप जब भी इसके बारे में पढ़ें आप इसके जो टाइप हैं उनकी फुल फॉर्म ज़रूर याद रख लें। कौन कौन सी? पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें प्रोग्रामेबल मिस है तो ध्यान रखिएगा, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और एंड अ कॉमन वेरिएशन ऑफ ईईपी रोम कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, आपको ये रोम भी समझ में आ गया होगा। तो रैम और रोम में अंतर बहुत आता है। तो रैम और रोम में अगर अंतर आए तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि जो रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी है और जो रोम है रीड ओनली मेमोरी वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। पहला अंतर ये हो गया, डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए लगातार पावर ऑन चाहिए और रोम में ऐसा कुछ नहीं है। रैम में जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरीली डाटा स्टोर होता है और रोम में जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे कैश मेमोरी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने इंटरनल मेमोरी को तीन कैटेगरी में डिवाइड करा था। कौन कौन सी? एक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, रीड ओनली मेमोरी और तीसरी कैश मेमोरी। तो रैम के बारे में हमने पढ़ा, रोम के बारे में हमने पढ़ा, अब बारी आती है कैश की। तो कैश मेमोरी सबसे बढ़िया मेमोरी है। ये डाटा की स्पीड बढ़ाने के लिए यूज़ होती है। यानी इसके अगर हम लोग कैश मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे जो सीपीयू की स्पीड होगी डाटा फेचिंग की वो बहुत हाई होगी। इसमें लिखा हुआ है द थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी दैट इज वोल्ड इनटू अ कंप्यूटर सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट और लोकेटेड नेक्स्ट टू इट ऑन अ सेपरेट चिप। बच्चों देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ कि कैश मेमोरी का काम क्या है। मान के चलिए एक बड़ा सा हॉल है,
उस हॉल में हमें क्या काम करना है, उस हॉल के गेट पर बहुत सारी ब्रेड रखी हैं, ब्रेड के पैकेट रखे हैं। अब आपको क्या काम करना है, ब्रेड के पैकेट एक साइड से दूसरी साइड रखने हैं। अब आप क्या काम करेंगे, आप ब्रेड को उठाएंगे और आप लेकर जाएंगे दूसरी साइड रख देंगे, आप इस तरीके से करेंगे। अगर आप तीन लोग हैं तो आप क्या काम करें, आप एक जगह आप खुद खड़े हो जाइए जहां पर ब्रेड रखे हुए हैं, दूसरी जगह जहां पर रखने हैं वहां दूसरा बंदा खड़ा कर दीजिए, एक बीच में और एक बंदा खड़ा कर दीजिए। वो क्या काम, आप क्या काम करें, आप अपनी तरफ से ब्रेड उठाएं, बीच वाले को फेंक दें, बीच वाला पकड़ करके उस ब्रेड को लास्ट में फेंक दे जहां पर ब्रेड रखनी है। इस तरीके से हमारा काम थोड़ा तेज हो जाएगा, तो जो बीच वाला बंदा है जो बीच में खड़ा हुआ है रूम के, वो आपकी एक कैश मेमोरी ही है। तो कैश मेमोरी सेम यही काम करती है आपकी प्रोसेसिंग की, डाटा फेचिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो कैश मेमोरी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी की। तो हम लोगों ने इंटरनल मेमोरी के बारे में पढ़ा, ये इंटरनल मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी, ये तीन तरह की, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक रीड ओनली मेमोरी और तीसरा कैश मेमोरी। ये रैम की फोटो है, हम इन तीनों को पढ़ चुके हैं। ये रैम है, इस तरीके से आपका जो मदरबोर्ड होता है उसमें एक स्लॉट होता है, उस स्लॉट में ये रैम फंस जाती है। दूसरी आपकी ये रोम होती है, ये भी कंप्यूटर्स मदरबोर्ड में ये फिक्स होती है, लेकिन अब तो हमारे ऐसे ऐसे माइक्रो प्रोसेसर आ रहे हैं जिसमें ऑलरेडी रोम फिक्स होती है। ठीक है, कैश मेमोरी। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सटर्नल में। तो अब बात करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस की। एक्सटर्नल मेमोरी जिसको हम लोग बाहर से एक्सटर्नली ऐड करते हैं। द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज लार्जली मेड अप ऑफ रैम एंड रोम। रैम इज ऑल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी, ये सब मैंने आपको बता रखा है। टेम्प्ररी मेमोरी भी होती है, लेकिन अब ये सारी चीज जो हैं वो डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकती, और डाटा को अगर स्टोर भी करती हैं तो फिर डिलीट करने में प्रॉब्लम होती है, और ये इतनी एक्सपेंसिव मेमोरी होती हैं कि इनको हम लोग ज़्यादा यूनिट में नहीं रख सकते। इसके लिए हमें एक्सटर्नली मेमोरी ऐड करनी पड़ती है जिससे हम अपने डाटा को ज़्यादा अमाउंट में परमानेंटली स्टोर कर पाएँ। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, दे कैन बी यूज टू स्टोर ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा, देयर फॉर द एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस और ऑल्सो नन एज मॉस स्टोरेज डिवाइसेस। यानी सेकेंडरी मेमोरी में आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये कौन कौन से टाइप की होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम बाहर से ऐड करें, अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करें, जैसे सबसे पहले आपको हार्ड डिस्क बोलो सारा का सारा मैटर एक ही है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डिस्क नन एज प्लेटर्स। प्लेटर्स के कलेक्शन से आपकी हार्ड डिस्क बनती है। जो प्लेटर्स होते हैं उन पर मैग्नेटिक मटेरियल का कोट किया हुआ होता है। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ज़्यादा हम इसमें डीपली नहीं पढ़ने वाले हैं, हमको बस यही याद रखना है कि हार्ड डिस्क ड्राइव है वो एक सेकेंडरी डिवाइस है और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये आप इसकी पिक्चर देख रहे हैं, तो ये इसमें ये केस है इसका, ये रीड राइट हेड है, ये प्लेटर्स हैं और ये आपका स्पिंडल है। तो हमको ज़्यादा इसमें डीपली नहीं पढ़ना है, बस हमको इतना याद रखना है। अगला है आपका फ्लॉपी डिस्क। ये हैं आपकी फ्लॉपी डिस्क जो हमारे दो तीन साइज़ में आती हैं, जैसे ये 5.5 इंच की डिस्क है, ये 3.5 इंच की डिस्क है। इसमें डाटा बहुत कम कैपेसिटी में स्टोर कर सकते हैं।
अब तो शायद ये चलनी भी बंद हो गई है। इसमें लिखा हुआ है, अ फ्लॉपी डिस्क इज ऑल्सो अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस हैविंग अ सर्कुलर डिस्क एनक्लोज्ड इन अ प्लास्टिक जैकेट। अ स्लॉट इज कट इन द जैकेट टू इनेबल रीड राइट हैड एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर इन दिस स्लॉट। तो बस इसके लिए हमें इतना ही पढ़ना है कि जो फ्लॉपी डिस्क होती हैं ये बहुत लो कैपेसिटी में डाटा जो है स्टोर करती हैं, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है आर नॉट मच इन यूज दीज डे। हम आजकल इनका प्रयोग बिल्कुल ही बंद कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मुश्किल से MB में 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB कुल इतना डाटा ये स्टोर कर सकती थी, और आजकल तो एक डिजिटल फोटो भी हमारा कई कई MBs का होता है। तो इसीलिए इनका यूटिलाइजेशन हम लोगों ने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। अगली जो हार्ड डिस्क है, अगला जो आपका एक्सटर्नल यूनिट का जो पार्ट है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD। CD की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD आप लोग देख पा रहे हैं, उसमें आप डाटा स्टोर करते हैं, बाहर से आप खरीद कर लाते हैं, उसमें डाटा स्टोर होता है और आप उसको कंप्यूटर में डालते हैं और वो डाटा आपका चलने लगता है, यानी वो डाटा आपका काम करने लगता है, उसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। यही लिखा हुआ है, कॉम्पैक्ट डिस्क इज़ अ स्मॉल सर्कुलर डिस्क। छोटी सी गोल सर्कुलर डिस्क होती है, सभी ने देखी होगी, और ये पॉलीकार्बोनेट एक तरीके का ये प्लास्टिक होता है, उस मटेरियल से बनी हुई होती है। ये किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को डिजिटली फॉर्मेट में अपने अंदर स्टोर कर सकती है। ये आपका CD हो गया। CD के बाद जो अगला आता है वो आता है आपका डिजिटल वीडियो डिस्क यानी DVD। DVD की कैपेसिटी CD की स्टोरेज कैपेसिटी से ज़्यादा होती है। लाइक CD की ही तरह अ DVD इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ये भी पॉलीकार्बोनेट से बनी हुई होती है। बस ये है कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो CD के मुकाबले ज़्यादा होती है। अगली हम पढ़ते हैं, अगली है आपकी फ्लैश मेमोरी और आपके USB ड्राइव। फ्लैश मेमोरी जैसे आपकी पेन ड्राइव वगैरह हो गई, ये सारी की सारी आपकी क्या हो गई, फ्लैश मेमोरी हो गई। तो ये फ्लैश मेमोरी आपके डाटा को स्टोर करने के काम में आती है और इसको आप एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका USB ड्राइव हो गया, USB ड्राइव भी आप डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हो। एक आ गया आपका रिमूवेबल हार्ड ड्राइव यानी आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब ज़रूरत हो इसको लगा लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए पेन ड्राइव की ही तरह, और जब ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा लीजिए। इसमें डाटा आप अपना परमानेंटली स्टोर रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए मैं एक टीचर हूँ और मुझे ऑडिट करने के लिए कम से कम 20 स्कूलों में जाना है और 20 स्कूलों में जा करके वहाँ का सारा डाटा लेकर आना है, तो मैं क्या काम करूँगा, फिर मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिमूवेबल हार्ड ड्राइव लूँगा, जहाँ जिस सिस्टम पे बैठा वहाँ उसको कनेक्ट कर लिया और वहाँ का डाटा इसमें स्टोर कर लिया और फिर वहाँ उस स्कूल से चलता बना फिर दूसरे स्कूल में पहुँच गया। तो ये है आपका रिमूवेबल हार्ड ड्राइव। अगला है आपका स्मार्ट कार्ड्स। स्मार्ट कार्ड में भी आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं कि जो डाटा, ये जो कार्ड्स आप देखते हैं जो बैंकों वगैरह के कार्ड्स होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एक चिप लगी हुई होती है और उस चिप में आपका डाटा स्टोर होता है, जैसे आपका अकाउंट नंबर या ये सब चीज़ आपकी स्टोर होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा डाटा स्टोर है, इसीलिए इसको हम लोग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर पढ़ा करते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अ चिप ऑन द कार्ड इटसेल्फ ट्रैक चेंज लाइक डिडक्टिंग परचेसेस फ्रॉम द अमाउंट एंटर ओरिजिनली ऑन द कार्ड। ठीक, अगला बारे में बात करते हैं। अगली है आपकी ब्लू रे डिस्क। ये भी आपकी CD से बड़ी DVD, DVD से बड़ी आपकी ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क में आप HD की वीडियो गेम्स और ज़्यादा अमाउंट में, यानी हुग अमाउंट ऑफ डाटा आप ब्लू रे डिस्क में स्टोर कर सकते हो। ब्लू रे डिस्क भी कई एक प्रकार की होती हैं, लेकिन हमें इसमें केवल ब्लू रे डिस्क ही पढ़ना है। ब्लू रे डिस्क में आप क्या क्या स्टोर कर सकते हो, आप इसमें हाई डेफिनेशन यानी HD की वीडियोस, प्ले गेम्स और भी बहुत सारी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो।
अंतर सिर्फ यही है कि डीवीडी की कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी ब्लूरे डिस्क से कम होती है और ब्लूरे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी बाकी सीडी और डीवीडी से ज़्यादा होती है। अगला है आपका मेमोरी स्टिक। मेमोरी स्टिक यानी एक तरीके से जिसमें आप डाटा स्टोर करें। हाँ, ये सारी चीज़ें सब एक ही हैं, बस ये है कि ज़रूरत के हिसाब से आप कौन सा डाटा स्टोर कर रहे हो और ज़रूरत के हिसाब से आप कौन सी ड्राइव यूज़ कर रहे हो। अब हम लोग पढ़ते हैं मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है। मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है, सबसे पहले हम लोग रैम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेन मेमोरी में आपके रैम रोम आ जाते हैं। इसमें लिखा है जो रैम है वो वॉलेटाइल है और जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल का मतलब आपको पता है ना, वॉलेटाइल का मतलब ये है कि जब तक लाइट रहे यानी पावर रहे तब तक आपका डाटा स्टोर रहे, और जैसे ही आपने पावर को बंद करा यानी सिस्टम को बंद करा सारा का सारा डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट। इसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है यानी इसमें डाटा डिलीट नहीं होगा। रैम में मेन मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, और इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी की है वो है तो लिमिटेड लेकिन हमारी स्टोरेज कैपेसिटी मेन मेमोरी से कहीं ज़्यादा है। ये बहुत एक्सपेंसिव होती है मेन मेमोरी, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, क्योंकि आप देख रहे होंगे पेन ड्राइव मुश्किल से 300-400 रुपए की पेन ड्राइव हैं, आप आराम से उनको खरीद सकते हैं। 20-30 रुपए की सीडी की कैसेटें हैं, उनको आप खरीद करके उसमें डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। ये क्या है, ये जो मेन मेमोरी है वो कंप्यूटर का एक मेन पार्ट है, लेकिन ये कंप्यूटर का मेन पार्ट नहीं है, इसको हम लोग एक्सटर्नली ऐड करते हैं और जब जी चाहें जब दिल चाहें तब आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आज हमने इस पार्ट में बहुत मेन और बहुत अहम चीज़ पढ़ी है। आज हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पूरा पढ़ा कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू के मेन कंपोनेंट ALU, CU और MU होते हैं। मेमोरी यूनिट में मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फिक्स होती है। प्राइमरी मेमोरी तीन तरह की होती है, एक रैम और एक रोम और एक कैश मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी कई एक तरीके की होती हैं। तो ये सारी चीज़ हमने आज इस वीडियो में पढ़ी। अगर आपको मेरा ये पढ़ाना या समझाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन लोगों ने पार्ट वन की वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो फटाफट हमारे पार्ट वन की वीडियो ज़रूर देखें। पार्ट थ्री में हम लोग आउटपुट यूनिट के बारे में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।